नालंदा जिले के वेना थाना क्षेत्र के गिरिधरचक गांव में खेत देखने जा रहे किसान की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। घटना रविवार रात की है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया है। मृतक स्वर्गीय राम ठाकुर का 55 वर्षीय पुत्र साधु शरण ठाकुर है। मृतक के पुत्र ने बताया कि रविवार की देर शाम वह खेत की पटवन के लिए भगवानपुर खंधा के तरफ गए थे। काफी समय बीत जाने के बाद जब वे वापस लौटकर नहीं आए तो परिजन खोजबीन करने लगे। इसी बीच ग्रामीणों की सूचना पर परिजन को पता चला। परिजन किसी से अदावत की बात से इनकार कर रहे हैं। बदमाशों ने सिर पर धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दिया है। थानाध्यक्ष मुकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि परिजन किसी से दुश्मनी की बात से इनकार कर रहे हैं। अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच में जुटी है। जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। शाम को 3 बजे खेत देखने के लिए गए थे। कहाँ? मैंने ताड़ा पर गांव में, मैंने कि खेत वहीं पर करते हैं चौहा बटैया। अच्छा। पैसा देकर किस्त पर के लिए बाभन बोले कि तो वहीं का मैंने ताड़ा पर के मैंने बाभन लोग बोला कि दूसरे को मोबाइल पर कॉल करके हमारे गाँव में गिरधर चक में खबर भेजाया कि जो उसका पिताजी इधर गिरा हुआ है। तो हमारे गांव वासी हम नहीं थे, तो 2 आदमी गए और मेरा चचेरा भाई, तो देखा कि वहाँ घटना स्थल पर कोई धार धार औजार से मार के ललाट पूरा फटा हुआ था, जो ये ग्रेन का पूरा दम मोटा होता अच्छी जो बुद्धि दिख गया था परत। अच्छा। और वो जमीन पर गिरे थे तो ऐसा, तो जहाँ पे मार के सुला दिया गया था ऐसा पूरा। मतलब घटना स्थल पर ही इनकी मौत हो गई थी? हाँ, घटना स्थल पर ही इनकी मौत हो गई थी।